हेलो एंड वेलकम दोस्त, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, वो भी एकदम स्टूडियो के जैसा। तो जैसा कि अभी हमारे पास एक फ़ोटो हमारा अवेलेबल है जिसे हमें पासपोर्ट साइज़ के रूप में बनाना है, तो ये देखिए ये फ़ोटो है हमारे पास अभी अवेलेबल। तो ये फ़ोटो हमें बनाना है, तो इसका जो बैकग्राउंड है हमें पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, हमको ये बैकग्राउंड दूसरा रखना है, तो उसके लिए हमें पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा। दोस्तों बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं हमेशा जो साइट यूज करता हूँ तो आज हम उसी साइट पर चलेंगे, इस फ़ोटो का बैकग्राउंड पहले चेंज करेंगे। दोस्तों उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों जैसा कि हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर उस साइट का नाम डाल देते हैं, साइट का नाम है RE, ये देखिए आ गया जैसा कि हमने पहले यूज किया कर रखा है, तो यहाँ पर ऊपर ही आ गया है remove.bg। तो हम ये सर्च कर लेते हैं, जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे ये देखो साइट ओपन हो चुका है। दोस्तों ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिससे आप बैकग्राउंड किसी भी फ़ोटो का आसानी से चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अपलोड इमेज का, ये देखिए अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपना जो फ़ोटो हमें जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है वो फ़ोटो यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जैसा हमको ये फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये फ़ोटो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो सेलेक्ट किया और डन कर दिया। जैसे ही डन करेंगे हमारे फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो अचानक से गायब हो जाएगा। देखिए जैसे ये फ़ोटो का बैकग्राउंड पहले ग्रीन था, अब ये देखो PNG में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है। तो ये देखो कॉर्नर पे भी इसका बैकग्राउंड क्या रखना है उसके लिए हमें एडिट बटन दिख रहा है, ये देखिए एडिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, इस पर क्लिक करते हैं और हमें जो बैकग्राउंड रखना है तो अभी जैसा हमें ये बैकग्राउंड वाइट रखना है तो हम वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और रखना है तो हम यहाँ पे जाके अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा ये कलर रखना है हमें रेड रखना है तो रेड पे गया और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इतना गाढ़ा हमको चाहिए, ये देखिए इतना गाढ़ा हमको चाहिए तो इतना गाढ़ा हमने यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए जैसा कि हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और ये कॉर्नर पे देखो डाउनलोड का बटन है, हम इस पर क्लिक करके ये फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया और फ़ोटो डाउनलोड हो गया, ओपन किया, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड चेंज जो हुआ है उसका फ़ोटो यहाँ पर आ गया है और इसको ओपन विथ कर लेंगे, गैलरी में सेव कर लेंगे। ये फ़ोटो अभी गैलरी में सेव हो चुका है, तो अभी हम डायरेक्ट कट कर लेते हैं और अभी इसका पासपोर्ट साइज़ बनाने के लिए हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर से हम पासपोर्ट साइज़, ये देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऐप सर्च कर लेते हैं। जैसे ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऐप सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के ऐप आ जाएंगे, जैसा कि मैं यूज करता हूँ ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एडिटर, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि नेट स्लो है और ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए 33% डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए 79,
देखिए यहाँ पे सिर्फ 6.03 MB का है ये एप्लीकेशन। जैसा कि देखिए डाउनलोड हो चुका है ये ऐप, अभी ओपन कर लेते हैं। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हमको नया फ़ोटो क्रिएट करना है तो ये देखिए न्यू फ़ोटो का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें न्यू फ़ोटो पे क्लिक किया और हमें इंडियन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंडियन इंडिया। ये देखिए इंडियन स्टैम्प साइज इंडियन पासपोर्ट, ये देखिए इंडियन पासपोर्ट साइज सेलेक्ट किया। DPI 300 रखेंगे, ओके करेंगे, अलाउ करेंगे और ये देखिए आ गया। और यहाँ पर हम गैलरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी या डायरेक्ट हमारे पास गैलरी में फ़ोटो सेव है, हम गैलरी सेलेक्ट करते हैं और गैलरी सेलेक्ट करेंगे। तो गैलरी में हमारा जो फ़ोटो सेव है ऑलरेडी, मैंने जिसका बैकग्राउंड चेंज किया है, यहाँ पर जाके इमेज पे सेलेक्ट करते हैं और रिसेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए आ गया हमारा फ़ोटो। हमको जो फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है वो फ़ोटो सामने आ चुका है। और स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विथ एड्स, क्योंकि हमने फ्री प्रीमियम फ्री लिया है तो ऐड आएगा ही। तो ये ऐड दोस्तों फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐड आएगा, तो हम ऐड स्किप किए। और ये देखिए हमने ऐड एडजस्ट किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब क्रॉप पे फिर नेक्स्ट करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो हमने क्रॉप नहीं किया था तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, हम इसे क्रॉप करेंगे। देखिए क्रॉप कर लिए और फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए फ़ोटो क्रॉप होके हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब हमको ब्राइटनेस वगैरह क्या रखना है, अपने हिसाब से ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पे हमको जैसा अपना जैसा चाहिए हमने वैसा कर दिया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बैकग्राउंड कलर हमने नहीं चेंज करना है, हमको पहले ही चेंज कर लिया है, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट सेव पर क्लिक कर देना है और स्किप कर देना है। और यहाँ पे आउटलाइन ऐड करने का ऑप्शन देखिए, ऐड एन आउटलाइन, यहाँ पर जितना मोटा आउटलाइन ऐड करना है उतना हम कर लेंगे और सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए फ़ोटो मेरा सेव हो चुका है और इसको फिनिश कर देंगे। देखिए जैसा कि मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है पासपोर्ट साइज़। अगर हम इसे मल्टीपल करना है तो आप इसे मल्टीपल भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि हमें मल्टीपल कॉपी करना है तो जैसा A4 साइज़ पे, ये देखिए 42-47 कॉपीज आता है, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इतने सारे फ़ोटो आ गए, इतना करके हमने सेव कर देना है, तो इतने सारे फ़ोटोज़ हम एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। हेलो,
ये देखिए सेव हो चुका है। अब हम इस फोटो को हम जिस किसी को भी हम चाहे वो शेयर कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट फोटो का ऑप्शन है। वाईफाई वगैरह का अगर प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शेयर करना चाहते हैं मेल या व्हाट्सएप करके किसी पे शॉप पर जाके प्रिंट निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हो गया, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।